नाम उदय नारायण चौधरी है, बिहार विधानसभा का 10 साल स्पीकर रहा हूं और एमएलए रहा लगातार 90 से। देखिए, अभी जो दिल्ली की हुकूमत है वो मनुवादी विचारधारा रखने वाले लोग हैं, वो ये भगवाधारी लोग हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह से जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है इसको छत-विछत किया जाए, और जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया दलित पिछड़े आदिवासियों को, जिसके कारण लाखों लाख नौजवान अभी आ गए हैं, नौकरी में हैं, रोड पर हैं, इससे उनको कष्ट हो रही है। तो अब इनका ये चाहते हैं कि वोटिंग राइट भी छीना जाए, और इसीलिए एक एक करके पहले छात्रों की छात्रवृत्ति इन्होंने बंद किया, नौकरियों में जो बैकलॉग था उसको इन्होंने समाप्त किया आते के साथ, उसके बाद जो प्रमोशन में रिजर्वेशन था उसको इन्होंने समाप्त किया, जो जिस कोटी में कहा कि वही कोटी में रहेगा, एक एक करके ये धीरे धीरे करके समाप्त कर रहे हैं हमारे भारत के संविधान द्वारा जो दिया गया अधिकार है दलित आदिवासियों को, पिछड़ों को, उसको। तो अब लोगों जगे हैं, लोगों में रोष आ रहा है, और ये अभी नहीं समझ रहे हैं कि आगे आने वाला दिन इनके लिए बहुत खतरनाक दिन है। अभी इनको 303 जो संसद में बहुमत मिल गई है उसका अहंकार है, तो इनका अहंकार आगे आने वाले समय में टूटेगा और फिर बहुजन का झंडा लहराएगा। भीम आर्मी का कहना यह है कि ब्राह्मण से 3 गुना अधिक दलित इस देश में है, फिर ये भीम आर्मी ये नहीं कराते, 3 गुना से ज्यादा है, 3 गुना से ज्यादा है। हाँ, इसीलिए नारा है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे निजी क्षेत्रों में हो या विश्वविद्यालयों में हो, सभी जगहों पर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देखिए, पहले मैंने आपको कहा कि देश में जो हुकूमत है वो नागपुर का हुकूमत चल रहा है, मनुवादियों का हुकूमत चल रहा है, जो यूरेशिया से आए हुए आर्य लोग हैं उनकी हुकूमत चली है, और वो नहीं चाहते कि इस देश के मूल निवासियों को इसका हक और अधिकार मिल सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जलाने का काम किया था, आज हम लोग इसको भूल गए हैं, और हम लोग भी कभी कभी अंधविश्वास और रूढ़िवाद में फंसते हैं, तो हमको अंधविश्वास और रूढ़िवाद से भी तिलांजलि लेना है, और ये जो जाति प्रथा है हमारे बीच का, इसको भी हम सब मिल करके, इस जो हुकूमत है जो हमारा दुश्मन है, ये दलितों का दुश्मन वाली हुकूमत है, ये वही समाज के लोग हैं, चाहे सत्ता में हो, जुडिशियरी में हो, या बाहर जिसको आप समाज कह रहे हैं वो है, वही मनुवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाला समाज है जिसकी बात आप कह रहे हैं, और उसी के विरोध में हम लोग ये आवाज उठा रहे हैं। सर, नागपुर की जहाँ तक बात है तो नागपुर में तो सर वो वहाँ पे वर्धा में कार्यक्रम हुआ था, उस समय महात्मा गांधी जी भी उस जो है सम्मेलन में गए थे, उसमें उनके उनके शिविर में गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने पूछा था कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम बताया, सरनेम नहीं बताया, किसी से भी पूछा तो उनका नाम बताया, सरनेम नहीं बताया। उनका कहना यह है कि भारत के तमाम लोग भाई बहन हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई हैं, और हम किसी जातियों में बटे नहीं हैं, हम सभी को लेकर साथ चलते हैं। तो आरएसएस की तो ये अभी आप है सर, कौन आरएसएस की बात कर रहे हैं? ये जो चित्पावन ब्राह्मण लोग हैं उसकी बात आप कर रहे हैं? ये चित्पावन ब्राह्मणों का राज है, जो थोड़े से लोग हैं, जो यूरेशिया से आए हुए लोग हैं, जिनका अभी चल रहा है, जो गोलवलकर साहब के बंच ऑफ थॉट से इस देश को चलाना चाहते हैं, जिसके विरोध में ये आंदोलन चल रहा है और चलते रहेगा, ये तो कथनी और करनी में फर्क रखने वाले हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये तो दलित बस्ती में जाके दलितों के साथ बैठ के खाना खाने वाले थे, और कहाँ से खाना वो आ रहा था? वो आ रहा था 5-स्टार होटल से खाना, और उनके यहाँ जाके बैठ के खा रहे थे। ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ में महारत प्राप्त किए हैं, ये हालत है भी। सर, मकर संक्रांति पर जो कार्यक्रम होता है मकर संक्रांति का, उसमें जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत बड़ा आयोजन करता है, उसमें दलित समाज तमाम लोगों के समाज के लोग एक साथ बैठकर खाते हैं,
और वहाँ पे न कोई जात है न कोई पात है, तो इस तरह। अरे आप किसकी बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक की बात कर रहे हैं? मैंने अभी आपको कहा चित्पावन ब्राह्मणों का वो चला हुआ है संगठन, और ये गोडसे के खानदान के लोग हैं। ये चाहते हैं देश को गोडसे के नीति से चलाना, और हम लोग चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ते ये चलेगा। आप गोडसे की बात को घुसा दे रहे हैं, आप आरएसएस की बात को घुसा। आरएसएस तो फासिस्ट संस्था है, और उसी सहारे अभी अमित शाह और मोदी के सहारे देश में फासिज्म लाना चाहती है। आप मीडिया के लोग हैं, ये डेमोक्रेसी रहेगी क्या जब मीडिया को मुट्ठी में कर लिया जाए, उसको सही बात बोलने से रोक दिया जाए, जब विपक्ष के लोगों के मुंह पर लगाम लगा दिया जाए और जो विपक्ष में बोले उसको अर्बन नेक्सलाइट कहा जाए, तो फिर वो कहाँ से आएगा? देश का राष्ट्रपति दलित हो, देश का प्रधानमंत्री दलित हो, देश का जो है कई कैबिनेट मंत्री जो दलित हो, इसके बावजूद भी दलितों की आवाज दब रही। देश के राष्ट्रपति जिसको आप कह रहे हैं दलित, अगर वास्तव में दलित का डी अक्षर भी उनके मन में होता तो भुवनेश्वर में पूरी में नहीं चले जाते पूजा करने के, आप पत्नी को ठेल के बाहर कर दिया। ये गुलाम लोग हैं, गुलाम लोग हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये तो गुलाम लोग हैं।